कुछ लोग कहते हैं कि यह जुआ है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडस्ट्रियल प्लाटून यमन एक्सप्रेस वे। देखिए, जुए में आपके गांव के दो लोग हैं, रवि कुमार और श्याम कुमार, जुआ खेलने बैठे 100 रुपये लेके। अब दोनों में एक तो जीतेगा, मान लो रवि जीत गया, उसके बाद 200 रुपये आ गए तो वो पार्टी भी देगा। एक होता है दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया, तो ये दो बंदर और बिल्ली वाले, दो बंदर और बिल्ली, बिल्ली, ये बंदर और बिल्ली वाली कहानी है कि ये तो सारे बंदर है जो गुलाटियां मार रहे हैं। अरे गुरु जी, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि 200 प्लॉटों के लिए 2 लाख एप्लीकेशन, 4 लाख एप्लीकेशन, ये कहाँ होता है ये सब। ये तो बंदर गुलाटी वाली गेम है। बंदर बनना है और एक ही रोटी है, तो लगाओ बंदर बन जाओ। अब इसमें डेट बढ़ती रहती है, अभी 5 तारीख थी, अभी 23 होगी, फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि पिछली योजना के अंदर 6 लाख एप्लीकेशन पे मजा आया था, अभी तो इसमें 2.5-3 लाख ही आए हैं। कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, कितने परसेंट चांस है? 300 रुपए के 3 लाख। रेशो वेशो भी फेल है यहाँ, रेशो वेशो भी फेल है मेरा तो। एक तरह से जैसे 120 मीटर में मान लो 2 लाख बंदों ने एप्लीकेशन डाल दिया, 23 लाख 23 हजार तो गए। हमारे भैया जी तो मुकर गए कि मैं नहीं लगा रहा, कोई रेशो नहीं बन रही, कोई रेशो नहीं बन रही। नहीं भैया जी, वैसे बात तो सच है कि दम नहीं है बात में। देखो भैया, जुआ खेल लो तो भी फायदा है। 600 रुपए लेके जुआ खेल लो। इससे तो वो जो पर्ची निकालते थे, हम 10 पैसे देते थे और उसमें सीट निकल आती थी, चूरा निकल आता था या नहीं निकलता था। 18 करोड़ रुपए तो फोरम के नाम पे कमा लिए। नहीं चलो, मैं तो कहता हूँ 1.5 लाख, 2 लाख तो भी है और 1 लाख और देंगे तो मैं तो 3 लाख को मल्टीप्लाई 600 कर देना तो 18 करोड़। तो दुनिया वालों, बस वैसे रीसेल में खरीद लो, पीछे ले लो कोई सस्ते वाला। इसमें तो इसमें लिमिट होनी चाहिए भैया कि 300 प्लॉट है तो 3000 एप्लीकेशन लेंगे, 10 गुना जो पहले लगा गए लगा गए पहले दिन ही, जो दस दस ये दस तो एक साथ ही निकाल लेंगे 4-5 हजार। हाँ हाँ, जब डिमांड है तो भैया, जब पता 6 लाख आए तो 6 लाख में कम से कम 60 हजार या 1 लाख प्लॉट तो निकाले। कम से कम 5-6 हजार प्लॉट एक साथ निकाले कुछ लोगों को। नहीं देखो भैया, अगर 6 लाख एप्लीकेशन आई है तो 6 लाख तो निकालने चाहिए, 10% तो निकालने चाहिए। ये क्या तरीका हुआ 300 के लिए? तो दुनिया वालों, ये बंदरों वाली और बिल्ली वाली कहानी है, दो बंदर लड़ गए और बिल्ली रोटी खा गई, तो इसमें वही हो रहा है, कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है, बाकी मजे लेते रहो। और निकिता ने मेरे को कहा जाके मजे लेते रहो, इसमें तो जिंदगी भर आपको प्लॉट या घर नहीं मिलेगा। मान लो 6 लाख लोग हैं, 300 प्लॉट हैं, रेशो निकाल लो तो आपको जिंदगी में 5-6 हजार बार अप्लाई करना पड़ेगा। 5-6 हजार मतलब आप तो मर जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। तो भैया बस ऐसा ही है। चलिए, ये मुफ्त रोटी खा लो, प्राधिकरण रोटी दे रही है मुफ्त श्रमिकों को, श्रमिक बन जाओ और मुफ्त रोटी खाओ। ये छोड़ो, ये प्लॉटों वाला मामला छोड़ दो, दम नहीं है, दम नहीं है। बाकी मजा लेना तो लेते रहो। ठीक है जी, नमस्कार नमस्कार।